सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के अनुसार शब्दावली का दोहराव कराने जा रही हूँ। आप श्वेत पट की ओर ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थक शब्द होता है, इसे हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। पहला शब्द है पर, चित्र की ओर देखिए। पर पंख देना, तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। उसी तरह बाग, बगीचा, उपवन, बगिया, सभी का अर्थ एक ही है। घर, गृह, आलय, सदन, इन चारों शब्दों का भी अर्थ एक ही है। पर पंख, डैना, बाग, बगिया, उपवन, घर, आलय, सदन, सही पर्यायवाची शब्दों को रेखांकित करें। तालाब, यहाँ पर चार शब्द दिए हुए हैं, आपको सही पर्यायवाची शब्द चुनकर उनको रेखांकित करना है। जलाशय, प्रयास, कुसुम, ताल। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? जलाशय और ताल। किनारा, जलद, तीर, जग, तट। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? तीर और तट। दूसरा प्रश्न है, इनके विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे आलसी, आलसी का विलोम क्या होगा? परिश्रमी। आलसी, परिश्रमी। खुश, नाखुश। कच्चा, पक्का। आलसी, परिश्रमी। खुश, ना खुश। कच्चा, पक्का। ख, खाली जगह में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। यह शब्द रेखांकित कौन सा शब्द किया हुआ है? अशुद्ध। खाली जगह में हमको अशुद्ध का विलोम लिखना है। अशुद्ध का विलोम क्या होगा? शुद्ध। शुद्ध, यह शब्द अशुद्ध है, इसे शुद्ध करें। दूसरा, अमन समझदार है किंतु राम खाली जगह है। समझदार का विलोम क्या होगा? ना समझ। अमन समझदार है किंतु राम नासमझ है। तीसरा प्रश्न, तुक मिलाएं। तुक
मिलाने में अंतिम उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। जैसे प्यारी, प्यारी का क्या तुक मिलेगा? न्यारी, क्यारी। रंगीले, सजीले। चौथा प्रश्न, दो दो नए शब्द बनाएं। यहां पर जो भी शब्द दिए हैं आपको उनसे दो नए शब्द बनाने हैं। किसी भी अक्षर से कोई मात्रा न हटाना है, न किसी अक्षर में कोई मात्रा आपको लगाना है। जैसे पहला शब्द है डालता, दो नए शब्द क्या बनेंगे? ताल और लता। ताल, लता। निशान, शान। नशा। एकदम, कदम। एक। बत्तख, खत। तब, खत। तब। पांचवा प्रश्न है, शब्दों को शुद्ध करें। सारे शब्द गलत लिखे हुए हैं, हमको क्या करना है? इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे नुकीले, क्या गलती है? क में ह्रस्व ई है, हमको क्या करना है? दीर्घ ई लगाना है। नुकीले, नुकीले, ये एक शुद्ध शब्द है। दूसरा शब्द है परीक्षा, र में ह्रस्व ई है, गलत है। प र में दीर्घ ई लगाना है, परीक्षा। सदगी, क्या है? सदगी, शुद्ध शब्द क्या होगा? सादगी, सादगी। छठा प्रश्न है, अक्षरों को क्रम में सजाकर लिखें। यहाँ पर शब्दों के सभी अक्षरों को इधर उधर करके लिखा हुआ है, हमको उनको क्रम से सजाकर एक सार्थक शब्द बनाना है। र सी क ख, सीख कर, ये सार्थक शब्द है। दूसरा शब्द है प व न च, बचपन। बचपन। नारे की एक सार्थक शब्द बनाइए, किनारे। किनारे। सातवां प्रश्न है, खाली जगह में सही अक्षर भरें। शरारती, शरारती। बर, खाली जगह है, कौन सा अक्षर हम लोग भरेंगे? स, बरसने। क व ई, क्या होगा? त्री, तो एक शब्द बनेगा कवित्री। खाली जगह क य, अक्षर बताइए? वा, वाक्य, एक शुद्ध शब्द बना। बच्चों, शब्दावली सूची में दिए गए सभी कार्यों को आप लिख लिख कर याद करेंगे। धन्यवाद।